नैन खुले तो दर्शन हो, होठ खुले तो कीर्तन हो, याद रखूं गुरु तेरे नाम को, मन भटके तो सुमिरन हो। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक तोते की, जो राजा के महल में सोने के पिंजरे में बंद था। एक दिन वहाँ पे एक पंडित आया, उसने राजा को भगवान की कथा सुनाई और कथा के बाद उसने बोला कि हरि मिले तो बंधन छूटे। तोता बोला, झूठ बोल रहा है पंडित। तो पंडित को बहुत बुरा लगा, वो अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को बुला के लाया और बोला कि ये तोता ऐसा बोल रहा है। तो गुरु ने बोला, क्या बात है भाई, ऐसा क्यों, इसमें गलत क्या है, हरि मिले तो बंधन छूटे। तो तोते ने बताया कि एक बार मैं एक ऋषि के आश्रम में गया, वहाँ पर ऋषि के शिष्य कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, तो मैंने उस मंत्र को सुना और मेरे याद हो गया, मैंने बोला उस मंत्र को, तो ऋषि के शिष्य ने समझा कि चमत्कारी तोता है और ये समझ के मुझे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन वहाँ पर एक सेठ आया, उसने देखा कि बोलने वाला तोता है और वहाँ से मुझे ले जाके चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। फिर राजा के यहाँ पे दावत थी, उस सेठ ने मुझे राजा को गिफ्ट किया और राजा ने मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तो बोला, रहा तो मैं पिंजरे में ही ना, तो उसके गुरु ने तोते के कान में कुछ बोल के और वहाँ से चले गए। तो अगली सुबह को जब सैनिक आए तो उसने देखा तोता उल्टा पड़ा है और वो सोचा कि तोता मर गया, ये समझ के उन्होंने जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला और तोता फुर से उड़ गया और उड़ते उड़ते ये बात बोली कि गुरु मिले तो बंधन छूटे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए जिसको आप अपने घर वालों के साथ शेयर ना कर सके, अपने दोस्त के साथ शेयर ना कर सके, तो ज़रूर उस बात को आप अपने गुरु के साथ शेयर करना। वो आपको ऐसा ऐसा तोड़ देंगे कि वो काम आपका हो ही जाएगा। जय हिंद।